अनुमति होगी। हॉल के अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। हाथ साफ करने और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था भी होगी। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग होगी। दर्शकों को स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण और तबीयत खराब होने पर सूचित करना होगा। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम होंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों का नियमित निसंक्रमण और सफाई होगी। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। माध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेंगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था होगी। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति ही होगी। हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने और पीपी किट होगी अनिवार्य। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों का कॉन्टैक्ट नंबर लेना भी अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। हॉल के एसी का रेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ICMR हैव स्केल्ड अप द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। इंडियाज़ टेस्टिंग कैपेसिटी हैज टच्ड 15 लाख पर डे, इंश्योरिंग इजीली एक्सेसिबल कोविड-19 टेस्ट्स बाय ऑल। एंड ऑल्सो इंडियाज़ पॉजिटिविटी रेट इज स्टेडिली मेंटेन्ड below 10%. The cumulative rate is 8.28% and the daily figure is 7.52%. The states and union territories are also exhibiting positivity rate higher than the national average. Vaccine development in India. Initially, the ICMR vaccine portal will only reflect information on COVID-19 vaccine in India. However, with time, the web portal will be strengthened with data available for all the vaccines used to prevent various diseases. Currently, 3 COVID vaccine candidates are in different phases of clinical study. They include the Bharat Biotech vaccine, DNA vaccine, and the recombinant Oxford University vaccine. The vaccine portal will contain sections including COVID-19 vaccine, countries initiative, international symposium, and FAQ for the general public. The portal will be available in all the regional languages. The portal will also provide information from WHO regarding COVID-19. Up next, a quick look at the COVID-19 situation from across the nation. India's recovery rate has further improved to 82.58%. During the last 24 hours, 74,893 patients have recovered and they were discharged. The Health Ministry said that the total number of recoveries has reached 50,16,520. The constantly increasing recoveries have ensured that the actual caseload of the country has reduced and currently comprises